चार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से मैं आपको अवगत कराता हूं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो बॉर्डर पर आर्मी मूवमेंट को लेकर आ रही है। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरहद से सटे 7 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 43 पुलों का ई उद्घाटन करेंगे। 43 यानी की 43 में से सबसे ज्यादा 10 पुल जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। ये सभी स्थायी ब्रिज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाकर तैयार किए हैं। और आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक महत्व की सुरंग रोहतांग टनल का उद्घाटन करने वाले हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन पुलों में से ज्यादातर रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों में है। इनसे सुरक्षा बलों और हथियारों को शीघ्रता से पहुंचाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बीआरओ के द्वारा निर्मित इन 43 यानी कि 43 ब्रिज में से 10 जम्मू कश्मीर में है, 7 लद्दाख में, 2 हिमाचल प्रदेश, 4 पंजाब, 8 उत्तराखंड, 8 अरुणाचल प्रदेश और 4 सिक्किम में है। इन सभी पुलों का उद्घाटन राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर देंगे। यानी कि दोस्तों, सामरिक रूप से महत्व वाले इन पुलों का निर्माण बीआरओ ने बहुत जल्द किया है और बीआरओ लगातार, चाहे युद्ध की स्थिति हो या ना हो, लगातार कार्य करते रहते हैं और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं ताकि देश पर किसी तरीके से आंच ना आए। ऐसे में दोस्तों, बीआरओ के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशंस को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, आपको ये बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पिछले साल तक पाकिस्तान के रेडियो चैनल्स कश्मीर तक पहुंचने में कामयाब रहे और वहां से ये लोग भारत के लोगों को भड़काने की कोशिश करते थे। जब इस बात का पता भारत सरकार को चला तो भारत ने एक्शन मोड अपना लिया और जल्द से जल्द वहां पर भारतीय टावर्स को स्थापित करना शुरू कर दिया। ऐसे में ऑल इंडिया रेडियो का विस्तार करने की अब योजना बनाई जा रही है, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि AIR का प्रसार नेटवर्क ग्रामीण और सीमा क्षेत्रों सहित पूरे देश में व्यापक कवरेज प्रदान करता है। AIR ट्रांसमीटर देश के 99.2% आबादी और 92% क्षेत्र को कवर करता है। इसके अलावा दूरदर्शन अपने DD फ्री डिश यानी कि डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर पूरे देश में निजी टीवी और फ्रीक्वेंसी मॉडल यानी कि FM चैनलों के साथ DD और AIR चैनल उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने DD और AIR चैनलों को उपग्रह के माध्यम से सी बैंड में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर उपलब्ध भी कराया है। यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अब कमर कस ली है कि अब वो पूरे देश में जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं और जो अभी तक अनकवर्ड थे, ऐसे एरियो तक FM और दूरदर्शन की रीच को पहुंचाना है ताकि देश के खिलाफ कोई पड़ोसी देश किसी तरीके के भड़काव और गलत प्रसारण ना कर सके। अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। जैसे कि दोस्तों, हमने बताया कि चीन धोखेबाज देश है और वो कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे में उसकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल है। लद्दाख में हजारों सैनिकों की तैनाती करने वाला चीन अब भारत के पूर्वी हिस्से में नया मोर्चा खोल रहा है। चीन ने भूटान से लगे डोकलाम के पास अपने S-6 परमाणु बम्बर्स और क्रूज मिसाइल्स को तैनात कर दिया है। चीन इन हथियारों की तैनाती अपने गोलमुंड एयरबेस पर कर रहा है। ये एयरबेस भारतीय सीमा से मात्र 1150 किलोमीटर दूर है। इससे पहले चीन ने इस घातक बम्बर की तैनाती अक्साई चीन के काशगर एयरबेस में की थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में इन बॉम्बर्स के साथ KD-63 लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें भी नजर आ रही हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीबन 200 किलोमीटर है। इसके अलावा एयरबेस पर शियान Y-20 मालवाहक सैन्य विमान भी नजर आ रहा है। चीन ने S-6 के बॉम्बर्स को लंबी दूरी पर टारगेट को निशाना बनाने के लिए इसे डिजाइन किया है। ये विमान परमाणु हमला करने में सक्षम है। चीन ने इस विमान को विशेष रूप से अमेरिका के गुआम बेस को निशाना बनाने के लिए शामिल किया है। यही नहीं, चीन डोकलाम के पास बहुमंजिला इमारतें भी बना रहा है। आपको बता दें कि डोकलाम जो ट्राई जंक्शन है, वहां पर चीन की तैनाती भारत के लिए एक संकेत खड़ा करती है कि वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को निशाना बना सकता है। ऐसे में भारत को सतर्क ही नहीं बल्कि पैनी नजर रखनी होगी चीन के हर कदम को लेकर, ताकि उसके दुस्साहस का तुरंत जवाब दिया जा सके। अगली खबर की बात करते हैं तो वो LUH को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH ने हाल ही में हिमालय में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने परीक्षण पूरे किए। 10 दिन के इन व्यापक परीक्षणों के दौरान हेलीकॉप्टर ने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी अपना प्रदर्शन करके दिखाया। अरुण चटर्जी जो कि निर्देशक हैं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान काफी सारी बातें बताई हैं जो कि इस LUH की उपयोगिता के बारे में हम सबको जाननी बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि LUH ने आवश्यक प्रदर्शन और पेलोड क्षमताओं का प्रदर्शन किया और यहां तक कि कड़े वातावरण के तहत काम करने वाली उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं को पार भी कर लिया। हालांकि परीक्षण के दौरान LUH ने असाधारण परीक्षण किया जिसमें एरोडायनेमिक सुधारों के कारण
लेह में पिछले साल के परीक्षणों की तुलना में ये प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। उनके अनुसार किसी भी R&D प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन टूल्स और स्किल सेट के बेहतर होने के बावजूद कई चुनौतियां होती है और LUH कोई अपवाद नहीं है। किसी भी हेलीकॉप्टर का डिजाइन एक जटिल काम है। हमने स्वदेशी रूप से दो सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियां तैयार की हैं, जिसमें रोटर और ट्रांसमिशन, जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अलग है। रोटर में दो सेगमेंट ब्लेड कॉन्सेप्ट था, जिसे पहली बार आजमाया गया था, जिसमें 21 आइट्रेशन के साथ मुख्य रोटर ब्लेड का एहसास करने के लिए टूलिंग और स्टेबलाइजेशन प्रक्रिया एक चुनौती थी। गियरबॉक्स पर हमने स्वदेशी वस्तुओं के साथ विदेशी वस्तुओं को प्रस्थापित करके कई डिजाइन और विनिर्माण मुद्दों को दूर किया था। हमने खुद इसे विकसित किया और कुछ मामलों में संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र के साथ भी काम किया। ऑयल कूलर फैन कुल शाफ्ट ब्रिटेन से हम लेते थे, यानी कि ये ब्रिटेन का एक कंपोनेंट था जिसका इस्तेमाल हम करते थे, लेकिन हमने इसे अपने घर में निर्माण किया, यानी कि भारत में निर्माण किया और उससे इसको बदल दिया। इसी प्रकार MGB यानी कि मेन गियर बॉक्स हाउसिंग का निर्माण माइक्रोटेक हैदराबाद के द्वारा किया गया और टेल रोटर शाफ्ट का निर्माण MTAR और सुमेक के द्वारा किया गया। दोनों ही हैदराबाद स्थित है। हिमालय में जुलाई से सितंबर तक जहां 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के साथ उच्च ऊंचाई वाला वातावरण हेलीकॉप्टर के प्रदर्शन के लिए कठोर माना जाता है, और ऐसी उच्च ऊंचाई पर चुनौतियां तापमान, दबाव, हवा की गति और विजिबिलिटी, ये सभी हेलीकॉप्टर के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले किसी भी समय से भिन्न हो सकते हैं। अधिकतम पेलोड एक महत्वपूर्ण पैरामीटर और प्रत्येक किलोग्राम का मामला भी है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए अभी भी पेलोड को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर के पास पर्याप्त इंजन शक्ति और रोटर क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा हेलीकॉप्टर को छोटे हेलीपैड से उतरना और उतारना होगा, जिसके लिए अच्छी हावर क्षमता, रडर मार्जिन्स और पायलटिंग स्किल्स यानी कि पायलटिंग कौशल की आवश्यकता होती है। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के पायलटों के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में विभिन्न उच्च ऊंचाई वाले ठिकानों पर LUH को उड़ाया गया और वे हेलीकॉप्टर की इसकी प्रणालियों के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय कंपनी को लेकर आ रही है, जो कि बोइंग और साप के T-7A रेड हॉक प्रोग्राम को टूल्स प्रदान करेंगी। और ये दोस्तों एक काफी बड़ी बात है कि भारतीय कंपनी इन विदेशी, जो कि ऑलरेडी काफी एडवांस हैं, उनके लिए टूल्स उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी बात है। बेंगलुरु की डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने कहा कि उसे बोइंग साप T-7 रेड हॉक प्रोग्राम के लिए उपकरणों के वितरण के लिए एक अनुबंध प्राप्त हुआ है। ये उपकरण रेड हॉक प्रोग्राम के स्टैटिक और फैटिक कंट्रोल सरफेस परीक्षण के लिए हैं। डायनामेटिक के MD ने कहा कि उनकी कंपनी पिछले एक दशक से P-8I और CH-47 चिनूक पर बोइंग के साथ भागीदार भी है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि T-7A रेड हॉक पर बोइंग के साथ हमारी साझेदारी बढ़ने पर हमें काफी गर्व है। T-7A रेड हॉक अमेरिकी वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया एक नया उन्नत पायलट ट्रेनिंग सिस्टम है, जो कि अगली पीढ़ी के लड़ाकू और बम वर्षक पायलटों को प्रशिक्षित करेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का उपयोग कर और डिजिटल थ्रेड के साथ निर्मित T-7A अमेरिकी वायुसेना के साथ नई सीरीज और एक डिजिटल मैट्रिक्स के माध्यम से तेजी से और अधिक किफायती तरीके से डिजाइन, कोडिंग और परीक्षण को सक्षम करने की रणनीति बनाता है। बोइंग साप T-7 रेड हॉक, जिसे मूल रूप से बोइंग TX के रूप में जाना जाता है, एक अमेरिकी स्वीडिश उन्नत जेट ट्रेनर है, जिसे साप AB के साथ साझेदारी में बोइंग के द्वारा विकसित किया गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है पाकिस्तान को लेकर। आपको बता दें, एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा हुआ है पाकिस्तान की ओर से। अमेरिका में एक पाकिस्तानी अमेरिकी को सरकारी स्वीकृति के बिना देश से उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉल्यूशंस पाकिस्तानी परमाणु ऊर्जा उपयोग को निर्यात करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्थित बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और शिकागो स्थित BSI US के मालिक अब्दुल्ला सैयद, जो कि 65 वर्ष का है, इसको 16 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोषी पाए जाने पर उसे अधिकतम 20 साल की सजा होगी और अभी ये हिरासत में। अगली खबर की बात करते हैं तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर आ रही है। दरअसल आपको पता है कि अभी पिछले हफ्ते 155x52 mm की उन्नत टोट आर्टिलरी गन, जो कि 48 किलोमीटर तक मार्क कर सकती है और ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी की तोप है, जब इसका बैरल फट गया था तो इस बात की चिंता जताई गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कुछ बातें जो सामने आ रही है, उनमें से एक बात ये सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इसमें वर्तमान में इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद को फायर करने का तरीका इस गन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। तोप को भारत फोर्स और टाटा पावर के द्वारा बनाया गया और पोखरण रेंज में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा तैयार किए गए गोले के साथ परीक्षण किया जा रहा था, तब ये दुर्घटना हुई और इस मामले की जांच भी चल रही है। आपको बता दें कि हायर रेंज प्राप्त करने के लिए
अतिरिक्त चार्ज या विस्फोटक के साथ एक गोला दागना पड़ता है। ATAGS में शेल को 7 चार्ज मॉड्यूल्स के साथ निकाल दिया गया था, जो कि दबाव को बढ़ाता है, जो एक निश्चित सीमा से परे शेल के मूवमेंट को प्रभावित कर सकता है। सूत्रों के अनुसार इससे ही बैरल हिट जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और ये भी पता चला है कि दुर्घटना से कुछ दिन पहले ही हायर चार्ज वाले गोले दागने की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। ऑर्डनेंस फैक्ट्री वो जो शेल बनाता है, यानी कि जो मामला सामने आया है, उनमें से एक कारण ये हो सकता है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री के द्वारा जो बनाया गया गोला है उसमें कुछ कमी थी, जिसकी वजह से ये बैरल फट गया। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।